गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो वी आर स्टडीइंग द चैप्टर न्यूक्लियाई एंड इन दिस चैप्टर वी आर ऑन द स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो न्यूक्लियाई चैप्टर में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें अभी इतना ज़्यादा टफ पोर्शन किसी में भी नहीं आया है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपने स्टडी कर रखे हैं. अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बाद में अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेसिकली कन्वर्जन का है, यूनिट्स का है, कौन सी यूनिट्स यूज़ होती हैं. तो एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ा है कि एटॉमिक मास यूनिट भी मास मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है. तो मैंने आपसे कहा था कि इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब ये जो न्यूमरल वैल्यूज़ हैं ये आपको याद हो पाएंगी. इसी तरह से एक और यूनिट आपने पढ़ रखी है, वो यूनिट है वर्क या एनर्जी से रिलेटेड. तो वो आपकी लास्ट चैप्टर में भी आ चुकी है, ड्यूअल नेचर में भी आ चुकी है. और वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ यूज़ होती है, जब भी बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है. जैसे पिछली बार आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस उसको इतना प्रोवाइड करना है कि वो एक्सेलरेट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसीलिए यहाँ पर जो यूनिट है वोल्ट वो भी यूज़ होती है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. क्योंकि ये फार्मूला कहाँ से आया है ये आपको पता है. फार्मूला आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहीं से अगर हम वर्क डन या एनर्जी को फाइंड करते हैं तो हमारा रिलेशन बन जाता है वी इंटू क्यू. तो क्यू का मतलब है यहाँ पर चार्ज, और चार्ज कौन सा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और V जो है वो पोटेंशियल है. तो कितना पोटेंशियल हमने यूनिट ले रखा है, क्योंकि आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही फाइंड करना है. तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को जितना एक्सेलरेट किया जाता है तो दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और उसका रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो EV से करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल है. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है, तो पता है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं, 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल. तो ये एक बड़ी यूनिट है एनर्जी की. इसी तरह से अगर आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, M इज़ हियर इन द सेंस ऑफ मेगा. तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको पता है कि 10⁶ जो है वो मेगा के कन्वर्जन के लिए यूज़ किया है. तो अगर मेगा की वैल्यू आपको पुट करनी है तो 10⁶ और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं. और फिर आगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वैल्यू पुट करें तो ये सॉल्व करके जो पावर है वो रह जाती है आपकी 1.602 × 10⁻³⁹ जूल. ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. तो कन्वर्जन्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं. ओके, उसके बाद एक कन्वर्जन ये भी है अगर यूज़ करना हो आपको, कि रिलेशन बिटवीन 1 AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो MeV का यूज़, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करने हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो MeV में ही दे रखी होती है. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU जो है वो 931 MeV के इक्वल होता है, याद रखना आपको. तो वो एटॉमिक मास यूनिट AMU भी एक बड़ी यूनिट है जिसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं. ओके, तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं. अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका न्यूक्लियर साइज. तो न्यूक्लियर साइज जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब कि जो न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते आए हैं, उस न्यूक्लियस का अगर हमें साइज फाइंड करना हो, न्यूक्लियस कितने साइज़ का, हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग साइज़ का होगा. तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का साइज़ अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप, और स्फीयर का अगर आप वॉल्यूम पुट करते हैं तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है. तो एक रिलेशन वॉल्यूम और जो आपका मास नंबर है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम, वैसे भी इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि मास नंबर कितना है. जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा. ओके,
तो क्योंकि मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो अगर ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को उसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम भी उसी अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। फिर वॉल्यूम के लिए पता है आपको रिलेशन जो यूज़ करेंगे उसमें हमने मान लिया कि रेडियस जो है न्यूक्लियस की दैट इज़ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर ए। फिर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये जो बीच में मैंने सिंबल यूज़ किया है ये सिंबल है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप ये वाला सिंबल रिमूव करके, मेरे पास अवेलेबल नहीं था सिंबल तो मैंने ये वाला सिंबल बना दिया, आप इसको रिमूव करके ये वाला सिंबल बनाएंगे, तो 4/3 π³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। ओके, फिर यहाँ से अगर आप फाइंड करें रेडियस, रेडियस के साथ में रिलेशन बनाना है, तो रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो पावर है ये हो जाती है 1/3 √ए। ओके, और फिर हम रिमूव करेंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से, तो आर इज़ इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो कभी भी अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइज पता करना हो तो आप क्या पता करेंगे, उसकी रेडियस, और रेडियस को पता करने के लिए आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए मास नंबर की। एक तो आपको पता होना चाहिए उसका मास नंबर, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, आर नॉट। तो यहाँ पर जो आर नॉट है वो कहलाता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, इसका जो नेम है दैट इज़ न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, और इसका रिप्रेजेंटेशन आर नॉट से होता है, और इसकी जो वैल्यू है क्योंकि ये कांस्टेंट है और अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो आपको इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू मीटर में होती है 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, और अगर आपको फर्मी में वैल्यू पता करनी है तो 1.2 फर्मी। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं न्यूक्लियस का साइज़। उसके बाद टॉपिक आता है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है। अब न्यूक्लियस का साइज़ तो पता है आपको, हर एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है अलग अलग साइज़ का है, लेकिन क्या यही कॉन्सेप्ट डेंसिटी पर भी अप्लाई होता है। आपको पता है कि जब स्टार्ट हुआ था ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो पता चला था कि न्यूक्लियस जो है वो डेंस है, छोटे साइज़ का है लेकिन डेंस है, रिजिड है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, और हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो फिक्स है या अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर हम, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी, ये टॉपिक आपका बहुत वाइडली नहीं पूछा जाएगा, बस डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको डिफाइन करना हो तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज़, पता है आपको डेंसिटी का जो रिलेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम, तो जो न्यूक्लियस का मास है उसको डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो पता है आपको, वॉल्यूम कहाँ से पुट करेंगे, वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ से रेडियस फाइंड करनी होगी और वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वॉल्यूम तो हमें पता चल सकता है, मास का मतलब क्या हुआ, मास कैसे फाइंड करेंगे, तो मास के लिए आपको पता है कि मास नंबर नहीं बल्कि हम मास पूछा गया है, तो मान लीजिए एक सिंगल न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल एम है और उसके पास कैपिटल ए जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 न्यूक्लियॉन्स है जिनमें एक का मास एम है तो सभी का मास सेम होगा, या फिर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पुट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला न्यूक्लियर मास के लिए अप्लाई होता है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए। तो ये रिलेशन है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी का। तो जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ आगे लिखा भी है कि वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पे। तो डेंसिटी के लिए ये भी बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज कितना भी बड़ा हो
और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस रिलेशन को, जब हम डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बस ये मेन लाइन जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आपको बस याद रखना होता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर और साइज. तो दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियर डेंसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना है या उसका मास नंबर कितना है. तो इसका मतलब कितना ही ज़्यादा मास नंबर हो, बहुत बड़े बड़े जो न्यूक्लियस हैं वो, और जो जिनका मास नंबर कम है, उन सभी की डेंसिटी एक ही जैसी होती है. तो रिजिडनेस या डेंस जितने हैं वो सारे एक ही जैसे हैं. किसी भी एलिमेंट की बात करें, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, सबकी डेंसिटी सेम रहती है. ओके, तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है आपका. फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग, न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसका मतलब, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है. 11th क्लास में ये स्टार्टिंग में सबसे पहले चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपके फोर फंडामेंटल फोर्सेस आपने पढ़े थे, तो फोर फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्टिंग होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद उसी ऑर्डर में बाकी सारे इंक्रीज होते हैं, और सबकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है. तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं, वो किस फोर्स से बाइंड रहते हैं, वो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियॉन्स में आपको पता है दोनों टाइप के पार्टिकल्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज अगर रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा. और रिपल्शन का मतलब, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, तो जितने डिस्टेंस पे ये हैं, दैट डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10^-15 मीटर, इतने डिस्टेंस के पर अगर ये आ जाते हैं एक दूसरे के क्लोज, तो इनके बीच में इतना रिपल्शन होगा कि इनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो इसके लिए एक अदर फोर्स होता है जो इस फोर्स को बैलेंस करता है, और वो फोर्स ही कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं, बल्कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हर एक पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है. तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स लिखेंगे, इस कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस. तो डेफिनेशन इजी है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, दैट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स, उसी तरह से ये जो है न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है. प्रॉपर्टीज़ की बात करें आप, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में. जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है जो हर एक पार्टिकल के बीच में लग रहा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और चार्जलेस. दूसरा है शॉर्ट रेंज फोर्स, इसके साथ एक लिमिटेशन ये है कि ये शॉर्ट रेंज है, कम डिस्टेंस पर ही वर्क करेगा. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम होती है, यही जो ले दे रखी है लगभग 10^-15 मीटर. अगर डिस्टेंस इंक्रीज होने लगती है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा. थर्ड है वेरिएशन विद डिस्टेंस, सेम ही पॉइंट है, लगभग डिस्टेंस के साथ वेरी करता है और उसकी वैल्यू कम होने लगती है. चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी, कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, अदरवाइज न्यूट्रॉन्स को बाइंड रखना मुश्किल होता. सैचुरेशन इफेक्ट है, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब हुआ कि पर्टिकुलरली जैसे एक जो न्यूक्लियॉन है वो दूसरे न्यूक्लियॉन तक ही अपना फोर्स लगाएगा, फिर सेकंड टू थर्ड, इस तरह से एक न्यूक्लियॉन सभी के बीच में फोर्स नहीं लगा सकता, तो सैचुरेट हो जाता है एक पेयर के बीच में, ये फोर्स सैचुरेटेड है. नेक्स्ट है नॉन सेंट्रल फोर्सेस, तो सेंट्रल फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा ही है कि सेंटर को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं उन पर इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये नॉन सेंट्रल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया. फिर नेक्स्ट जो है हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, और इसके आगे जो आपको पढ़ने हैं जो इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं इसमें, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ भी आपके रह गए हैं मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन जो केमिस्ट्री में भी है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारा कुछ आपको अभी और स्टडी करना है, फिर रेडियो एक्टिविटी से हमारा जो है वो दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। ओके, सो नाउ वी आर फिनिशिंग हियर। थैंक यू।